अपने प्रोडक्ट्स में कई खास फीचर्स को शामिल करने की तैयारी कर रहा है, जिनमें एंड्रॉइड पी से लेकर डिजिटल वैली बिंग और नेविगेशन विद कैमरा जैसे कई खास फीचर्स मौजूद होंगे। नमस्कार, मैं हूं जोइता और आप देख रहे हैं लोकमत न्यूज हिंदी टेक्शाला। हम बात कर रहे हैं गूगल के सालाना कॉन्फ्रेंस के बारे में। जी हां, कैलिफोर्निया में 8 मई से गूगल का सालाना कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुका है, जिनमें कंपनी ने कई खास फीचर्स के बारे में घोषणाएं की हैं। कंपनी इन खास फीचर्स को अगले महीने तक अपने प्रोडक्ट्स पर जरूर से शामिल करने की तैयारी कर रही है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में, क्या है खास और क्या है इनकी पूरी डिटेल। एंड्रॉइड पी गूगल 2018 का ये सबसे खास ऐलान है। एंड्रॉइड पी अगला स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। इस ओएस का कोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होगा। ये ओएस इंटेलिजेंसी, सिंप्लिसिटी, बेहतर डिजिटलाइजेशन के साथ आएगा। इसे बैटरी परफॉर्मेंस में सुधार होगी, जो एडिप्टिव बैटरी फीचर और मशीन लर्निंग के साथ आएगा। एंड्रॉइड पी मल्टीटास्किंग के लिए तैयार किया गया है, जो यूजर के जेस्चर को समझ सकेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हेल्थ केयर में काफी बदलाव लाने वाली है। मशीन लर्निंग के साथ जीमेल पर स्मार्ट कंपोज फीचर पेश किया जाएगा। आपकी पिक्चर्स में मौजूद पर्सन के साथ यूजर्स आसानी से वो पिक्चर्स शेयर कर सकेंगे। यूजर्स डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट भी कर सकेंगे। साथ ही फोटो में ब्राइटनेस, कलर्स और भी बेहतर होंगे। गूगल असिस्टेंट पहले से ज्यादा स्मार्ट होने जा रहा है। जी हाँ, गूगल को आपको बात करने के लिए बार बार हे गूगल बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गूगल असिस्टेंट अब आपकी भाषा को खुद ब खुद समझेगा। ऐसे में गूगल 6 नई भाषाओं को लाने जा रहा है, जिसमें गूगल असिस्टेंट आपके फोन को पिक करेगा और साथ ही आपके अपॉइंटमेंट भी बुक करेगा। डिजिटल वैली बिंग, अगर आप अपने बच्चों को इंटरनेट की दुनिया से दूर रखना चाहती हैं, तो ये फीचर आपके लिए है। साथ ही अगर आप घंटों YouTube पर वेब सीरीज देखते हैं, तो ये आपको एक ब्रेक लेने की भी याद दिलाएगा। इसके लिए एक नया शैडबोर्ड भी दिया गया है। गूगल न्यूज AI के जरिए गूगल न्यूज की वीडियो और इमेज के जरिए ऐप को ज्यादा एंगेज किया जा सकेगा। ये वीडियो YouTube और दुनिया में कहीं की भी हो सकती है। न्यूज़कास्ट फीचर में न्यूज़ पर क्लिक किए बिना ही न्यूज़ प्रीव्यू में न्यूज़ के बारे में जाना जा सकेगा। इस इवेंट में गूगल मैप को भी और भी स्मार्ट बनाने की कोशिश की गई है। जी हाँ, गूगल मैप में AI फीचर को शामिल किया जाएगा। इसके लिए फॉर यू नाम का एक टैब फीचर इसमें शामिल होगा, जिससे यूजर अपने लोकेशन के आसपास के मौजूद कैफे और रेस्टोरेंट के बारे में जान सकेंगे। नेविगेशन विद कैमरा VPS विजुअल पोजिशनिंग सिस्टम में स्मार्टफोन के कैमरा के जरिए नेविगेट किया जा सकेगा। इस फीचर में कैमरे के इस्तेमाल के जरिए ये पता किया जा सकेगा कि आप कहां हैं और आपको कहां जाने की जरूरत है। गूगल लेंस, गूगल लेंस कैमरा ऐप के साथ अगले हफ्ते तक इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। ये फीचर LG G7 पिक्सल स्मार्टफोन और दूसरे हैंडसेट के कैमरा ऐप में मौजूद होगा। ये शब्दों को पहचान और समझ भी सकेगा। गैजेट से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे लोकमत न्यूज.in के साथ।